चौतीसवां राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। तत्कालीन खेल मंत्री बंधू तिर्की के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। बंधू तिर्की ने सीबीआई और एसीबी जांच पर सवाल उठाते हुए कहा जो आरोप उसके खिलाफ लगाए गए थे उसे सार्वजनिक करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर बंधू तिर्की की राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश एक षड्यंत्र के तहत की जा रही है। सीबीआई दिल्ली की संपत्ति और 100 एकड़ जमीन संबंधी आरोप का साक्ष्य अभी तक नहीं दे पाई है। साजिश रचने वालों के खिलाफ बंधू तिर्की एसटीएससी थाने में मामला दर्ज कराएंगे। धूमिल करने का षड्यंत्र है पूरे तरफ से कही, जो मैंने पहले कहा कि भाई आवाज को पूरा कुंड कर देने का, ये पूरा का पूरा एक साजिश रचा गया। अगर इस घोटाले में मेरी संलिप्तता, इस मामले में सीबीआई का केस संख्या RCSA/2010 के द्वारा मेरे ऊपर लगे आरोपों की जांच की गई, जांचोपरांत सीबीआई द्वारा पाया गया कि मेरे द्वारा अर्जित या हासिल चल अचल संपत्ति का कोई साक्ष्य नहीं है। सीबीआई बोल रहा है कि कोई साक्ष्य नहीं है। साथ ही मेरे द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी को फेवर करने का जो आरोप लगा, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।